हेलो स्टूडेंट्स, आई एम मिसेस अनीता, ए फैकल्टी फ्रॉम हरटोन स्किल सेंटर नियर जाट कॉलेज हिसार। आज का हमारा टॉपिक है फंक्शन पार्ट टू। फंक्शन पार्ट वन हम पहले वीडियो में कर चुके हैं, आज हम करेंगे फंक्शन पार्ट टू। चैप्टर हमारा 7 है। हमने पिछले में पढ़े थे फंक्शन, यूजर डिफाइंड फंक्शन। यूजर डिफाइंड फंक्शन में हमने चार तरह के फंक्शन पढ़े थे, दो हम इसमें पिछले वीडियो में कर चुके हैं, आज हम करेंगे फंक्शन विद आर्ग्यूमेंट्स एंड नो रिटर्न वैल्यू। फंक्शन विद आर्ग्यूमेंट्स एंड नो रिटर्न वैल्यू, हम यूजर डिफाइंड फंक्शन में आर्ग्यूमेंट्स तो यूज कर रहे हैं लेकिन कोई भी रिटर्न वैल्यू नहीं दे रहे हैं, तो हम ये प्रोग्राम करके देखते हैं। टेक्स्ट एडिटर पे आते हैं। फंक्शन विद आर्ग्यूमेंट्स नो रिटर्न वैल्यू, हम void कीवर्ड यूज कर सकते हैं, void सम आर्ग्यूमेंट्स दे रहे हैं। हम यहां पे लिखेंगे int int। हम यहां पे जो आर्ग्यूमेंट्स यूज कर रहे हैं उनका डेटा टाइप और उनका नेम लिखते हैं। हम अगर नेम अभी नहीं देना चाहें, नेम हम डेफिनेशन फंक्शन डेफिनेशन में दें, तो हम यहाँ पे उनकी ये डेटा टाइप देकर भी काम, इतनी इससे भी काम चल सकता है, इससे भी काम ठीक है। इंटीजर डेटा टाइप से डेटा टाइप लिख देंगे, नेम हम बाद में देंगे। देखिए आगे void main int a comma b, ये हमने अब इनको वैल्यू देंगे क्योंकि एक्चुअल पैरामीटर हम यहां ले रहे हैं मेन में। एंटर वैल्यू ऑफ ए एंड बी, स्कैनर दो ले रहे हैं, परसेंट ए कोमा परसेंट बी। अब हम यहाँ पे लिखेंगे, फंक्शन को कॉल करा रहे हैं ए कोमा बी, ये हमारे एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स हैं। गेट सी एच हमने फंक्शन को डिक्लेयर कर लिया है। फंक्शन डिक्लेरेशन में दो आर्ग्यूमेंट्स पास किए, इंटीजर डेटा टाइप्स, ये हमने एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स लिए हैं यहाँ पे। अब हम लिखेंगे फंक्शन डेफिनेशन void sum int, यहाँ पे हमें उनको नेम देना पड़ेगा int x कोमा int y। हम डिक्लेरेशन में सिर्फ डेटा टाइप लिख करके छोड़ सकते हैं। अब इंट इनका सम करना है तो एक वेरिएबल और चाहिए, z इज इक्वल टू a की वैल्यू x में पास करा रहे हैं और b की वैल्यू y में। हम यहां पे लिखेंगे x प्लस y, प्रिंट ऑफ z को प्रिंट करा लेते हैं, इसको सेव करते हैं, एफ यू एन 4 कर देती हूं। एंटर द वैल्यू ऑफ, ये वैल्यू एंटर कराई है मैंने, ये इनका आंसर आ गया, सम आ गया दोनों वैल्यूज का। यही हमने इस प्रोग्राम में किया है, ये हमारा प्रोग्राम था। यूजर डिफाइंड फंक्शन है जिसमें हम आर्ग्यूमेंट्स तो दे रहे हैं लेकिन रिटर्न वैल्यू नहीं दे रहे। अब नेक्स्ट फंक्शन विद, अगले पे आएंगे फंक्शन विद आर्ग्यूमेंट्स एंड ए रिटर्न वैल्यू।
फंक्शन विद आर्ग्यूमेंट्स एंड रिटर्न वैल्यू. इसमें हमें आर्ग्यूमेंट्स भी लेनी है और वैल्यू भी रिटर्न करानी है. ये देखिए फंक्शन विद आर्ग्यूमेंट्स एंड रिटर्न वैल्यू. इसको हम करके देखते हैं प्रोग्राम को. दोबारा देखिए इसमें थोड़ा डिफरेंस है, ज्यादा नहीं, जो पूरा ही इसको अच्छे से करके देखते हैं ताकि एक एक चीज हमें इसकी अच्छे से समझ आए. सबसे पहले इंट वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं, इंट कोमा इंट सेमीकोलन, फिर वॉइड मेन. अब हम लेंगे ए कोमा बी कोमा, एक और वेरिएबल लेना है जिसमें हमें वैल्यू रिटर्न करानी है, तो हम यहाँ पे जे ले लेते हैं. अब क्लियर स्क्रीन. प्रिंट ऑफ वही ए और बी को वैल्यू एंटर कराएंगे, ए और बी की एंटर वैल्यू ऑफ ए एंड बी स्कैन ऑफ सेंट डी एम्परसेंड ए कोमा एम्परसेंड बी. अब हम वैल्यू रिटर्न करा रहे हैं, हम लिखेंगे जे इज इक्वल टू सम ए कोमा बी. अब प्रिंट ऑफ सम इज, यहां पे जे को प्रिंट कराएंगे, गेट सी एच और ये हमारा मेन प्रोग्राम. उसके बाद हम इंट सम, इंट सम हम लिखेंगे इंटीजर एक्स कोमा इंट वाई. अब हम यहां पे रिटर्न वैल्यू भी है, वैल्यू हमें पास करानी है, एक और वेरिएबल लेंगे जिसके अंदर हमें ये ऐड करनी है वैल्यूज. जेड इज इक्वल टू ए प्लस बी, ये ए की वैल्यू एक्स प्लस वाई, एक्स के अंदर ए की वैल्यू पास हो रही है, वाई के अंदर बी की, एक्स प्लस वाई. अब रिटर्न जेड सेव करते हैं, एफ यू एन आप कोई भी नेम दे करके डॉट सी एक्सटेंशन हमें जरूर लगानी है. यहां पे देखिए टू मैंने टाइप इन डिक्लेरेशन, कोमा नहीं लगाया हमने, देखिए यहां पे कोमा लगा के उनको सेपरेट करते हैं. देखिए एंटर वैल्यू ऑफ ए एंटर वैल्यू ऑफ बी, ये सम आ गए. हमने किया तो इसमें सम है लेकिन किस तरीके से यूज किया है, हमने फंक्शन यूज किया यूजर डिफाइंड फंक्शन, और यूजर डिफाइंड फंक्शन में हमने फंक्शन की टाइप यूज की है विद रिटर्न वैल्यू एंड विद आर्ग्यूमेंट्स. यूजर डिफाइंड फंक्शन विद रिटर्न वैल्यू एंड विद आर्ग्यूमेंट्स. अब मेन पे आते हैं, हमें हम मेन पर आते हैं. नेस्टिंग ऑफ फंक्शन, सी लैंग्वेज आल्सो अलाउ नेस्टिंग ऑफ फंक्शन. नेस्टिंग ऑफ फंक्शन मीन्स है कि एक जब हम एक फंक्शन के अंदर दूसरा कोई फंक्शन यूज करते हैं तो हम उसको बोलते हैं नेस्टिंग ऑफ फंक्शन. ये नेस्टिंग ऑफ फंक्शन, फंक्शन वन, फंक्शन वन की बॉडी, फिर फंक्शन टू, फंक्शन वन बॉडी है, बीच में इनके बीच में हम फंक्शन
टू का यूज कर रहे हैं। इसका देखिए, इफ फंक्शन टू ऑल्सो हैज कॉल फॉर फंक्शन वन इन साइड इट, देन इन दैट केस इट विल लीड टू एन इनफाइनाइट नेस्टिंग। ये इनफाइनाइट में चला जाता है। दे विल कीप कॉलिंग ईच अदर एंड प्रोग्राम विल नेवर टर्मिनेट। जब ये दूसरे को कॉल करते रहेंगे इनसाइड, क्योंकि एक दूसरे के तो ये प्रोग्राम चांसेस होते हैं कि ये इनफाइनाइट में चला जाए। व्हाट इज रिकर्सन? रिकर्सन कैन बी डिफाइंड एज द टेक्निक ऑफ रिप्लिकेटिंग और डूइंग अगेन एंड एक्टिविटी इन ए सेल्फ सिमिलर वे, कॉलिंग इट सेल्फ अगेन एंड अगेन। जब कोई भी फंक्शन अपने आप को बार बार कॉल करता है तो हम उसको रिकर्शन बोलते हैं। तो हम उसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में रिकर्सन कहते हैं। अगेन इन द वर्ल्ड ऑफ प्रोग्रामिंग, व्हेन योर प्रोग्रामर लेट्स यू कॉल दैट स्पेसिफिक फंक्शन फ्रॉम इनसाइड दैट फंक्शन, देन दिस कंसेप्ट ऑफ कॉलिंग द फंक्शन इटसेल्फ कैन बी टर्म्ड एज रिकर्सन। तो इस तरह ये रिकर्सन का यूज होता है फंक्शन में, जब एक ही फंक्शन बार बार अपने आप को कॉल करता है। एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ रिकर्सन। रिकर्सन मेक्स प्रोग्राम एलिजेंट, हाउएवर इफ परफॉर्मेंस इज वाइटल वी यूज इंस्टेड एज रिकर्सन इज यूजुअली मच स्लोअर। ये स्लोअर है बट बीइंग सेट रिकर्सन इज एन इम्पोर्टेंट कंसेप्ट। फिर भी ये इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है और डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम्स में इसका फ्रिक्वेंटली यूज होता है। टाइप्स ऑफ फंक्शन कॉल इन सी। देखिए हम इसके अंदर वैल्यू पास करते हैं फंक्शन में, दो तरीके से है, कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस। सबसे पहले हम करेंगे कॉल बाय वैल्यू। कॉलिंग ए फंक्शन बाय वैल्यू मीन्स वी पास द वैल्यू ऑफ द आर्ग्यूमेंट्स विच आर स्टोर्ड और कॉपीड इनटू फॉर्मल पैरामीटर्स। जो वैल्यू हम पास कर रहे हैं फॉर्मल पैरामीटर में कॉपी हो जाती है और फंक्शन हैंस ओरिजिनल वैल्यू आर अनचेंज्ड। कॉल बाय वैल्यू में जो ओरिजिनल वैल्यू है वो अनचेंज्ड रहती है, ओनली पैरामीटर इनसाइड फंक्शन चेंज। तो ये हमारा है कॉल बाय वैल्यू। इसका हम एग्जांपल करके देखते हैं। देखिए ये हमारा प्रोग्राम है void sum। हमने दो आर्ग्यूमेंट्स पास किए इंटीजर टाइप की, void main int 10 और 20। ये हमने वैल्यू दे दिए। यहाँ पे ये एक्चुअल पैरामीटर यूज कर रहे हैं, उनको हमने यहाँ पे वैल्यू दिए है। इनको हमें स्वैप कराना है। सबसे पहले तो बिफोर स्वैपिंग एक्चुअल वैल्यू, हम एक्चुअल वैल्यू प्रिंट करा रहे हैं। उसके बाद हम आफ्टर स्वैपिंग, फिर हमें आफ्टर स्वैप्ड वैल्यू प्रिंट करानी है। और हम वैल्यू कैसे पास कर रहे हैं? कॉल बाय वैल्यू, वॉइड सम, इंट एक्स इंट वाई, और थर्ड वेरिएबल लिया है ताकि हम उसकी मदद से इनकी वैल्यू को चेंज कर सके। इसका प्रोग्राम करके देखते हैं कॉल बाय वैल्यू में, कि जब हम वैल्यू चेंज कर रहे हैं, स्वैप कर रहे हैं, क्या वो एक्चुअल में चेंज हो भी रही है या नहीं। कि हम इस प्रोग्राम को करके देखते हैं। void swap, swap में इंटीजर डेटा, दो वैल्यू, दो आर्ग्यूमेंट्स ले रहे हैं इंटीजर टाइप के, सेमीकोलन लगाया, फिर void main, दो नंबर स्वैप करने हैं a कोमा b। यहाँ पे दो वैल्यू ले लेते हैं, वैल्यू दे देते हैं साथ में, b is equal to 20। क्लियर स्क्रीन यूज किया हमने। अब प्रिंट ऑफ, हमें यहाँ जो हम इस मेन प्रोग्राम के अंदर इन वेरिएबल्स को जो वैल्यू दे रहे हैं वो एक्चुअल वैल्यू हमें प्रिंट करानी है। एक्चुअल वैल्यू बिफोर स्वैपिंग। अब a इज इक्वल टू कोमा b इज इक्वल टू, ये वैल्यू हम यहां पे प्रिंट कराएंगे, इनकी एक्चुअल वैल्यू है जो प्रोग्राम में। उसके बाद सम
कोमा बी, यहां एक्चुअल पैरामीटर आर्गुमेंट्स देते हैं जब फंक्शन कॉल करा रहे हैं, फिर हम एक मैसेज और लिखते हैं, प्रिंट कराते हैं चेंज्ड वैल्यूज आफ्टर स्वैपिंग। ए इज इक्वल टू सेम, ऐसे लिखते हैं, कोमा बी इज इक्वल टू ए कोमा बी, फिर गेट सी एच के बाद फिर void swap int x comma int y, एक वेरिएबल और लेंगे जिसके थ्रू हम इनको चेंज करेंगे, इंटरचेंज करेंगे, x z के अंदर x x is equal to y, x में y की वैल्यू और y, अब हमें y के अंदर चाहिए z की वैल्यू। ये प्रोग्राम है हमारा, स्वैपिंग डॉट सी, प्रोग्राम को रन करते हैं। स्वैप यहां सम लिख दिया ना, यहां स्वैप आएगा एस डब्ल्यू ए पी, एक्चुअल वैल्यू, इसमें बैकस्लैश एन का यूज करती हूँ पहले, ऐसे तो कुछ भी समझ नहीं आएगा। यहां पे बैकस्लैश एन लगाते हैं, सेव करते हैं, फिर रन करते हैं। देखिए एक्चुअल वैल्यू बिफोर स्वैपिंग ए इज इक्वल टू 10, बी इज इक्वल टू 20, चेंज्ड वैल्यू आफ्टर स्वैपिंग। देखिए इस प्रोग्राम के अंदर वैल्यू का हमने स्वैप करने के लिए पूरा प्रोग्राम लिखा है, लेकिन वैल्यू है वो स्वैप हो नहीं रही है, क्यों? क्योंकि कॉल बाय वैल्यू से हम वैल्यू को स्वैप नहीं कर सकते, उसके लिए हमें कॉल बाय रेफरेंस यूज करना पड़ता है। इसके लिए हम देखते हैं अगला प्रोग्राम, दोनों में डिफरेंस क्या है। इसके अंदर देखिए हम वैल्यू पास कर रहे हैं, हमारी जो पैरामीटर है वो पास तो हो रहे हैं, लेकिन जो एक्चुअल वैल्यू है वो चेंज नहीं हो रही है इसके अंदर, उसके लिए हमें यूज करना पड़ता है कॉल बाय रेफरेंस। कॉल बाय रेफरेंस, देखिए इन कॉल बाय रेफरेंस वी पास द एड्रेस ऑफ वेरिएबल एज आर्ग्यूमेंट, हमें वेरिएबल का एड्रेस पास करना पड़ता है एज आर्ग्यूमेंट टू एनी फंक्शन। व्हेन वी पास द एड्रेस ऑफ any variable as argument, then function will have access to our variable. As it now know where is it stored, hence can be easily updated its value. तो हम इसकी value को update कर सकते हैं। In this case, formal parameter can be taken as a reference. In this case, formal parameter can be taken as a reference or pointer. हम pointer का use करेंगे। Pointer का अभी हमने details वो अगले लेक्चर में करेंगे, लेकिन अभी इसका शॉर्टली बताते हैं। तो इन बोथ केसेस दे विल चेंज द वैल्यू ऑफ ओरिजिनल वेरिएबल। पॉइंटर के थ्रू हम क्या करते हैं, दूसरे वेरिएबल की जो एड्रेस लोकेशन है वो पास करते हैं हम, और जब हमारे पास किसी भी वेरिएबल का फिजिकल एड्रेस है तो हम उस वहां पे जो वैल्यू है उसको हम इजिली अपडेट कर सकते हैं। तो ये हमारा कॉल बाय रेफरेंस, सेम वही प्रोग्राम है, अब इसको हम कॉल बाय रेफरेंस के थ्रू करेंगे। देखिए इसके लिए हमें पॉइंटर का यूज करना पड़ेगा, प्रोग्राम करके देखते हैं। दोबारा करते हैं इसी प्रोग्राम को, इसमें हमें पॉइंटर यूज करना है
void swap, उसमें भी चेंज कर सकते थे प्रोग्राम में, लेकिन थोड़ा सा और अच्छे से समझ आए तो इसको हम कर लेते हैं प्रोग्राम को. void main, अब int a is equal to 10 comma b is equal to 20, सेम प्रोग्राम नहीं है. देखिए इसमें हम चेंज करेंगे क्लियर स्क्रीन. अभी हमें क्या करना है, जब पॉइंटर यूज करना है, पॉइंटर यूज करने के लिए हम सबसे पहले तो जो हमने फंक्शन अभी यहां पे डिक्लेयर किया है इसमें पॉइंटर का यूज करते हैं. यहां पे सीधा नाम लिख दीजिए, फिर पॉइंटर y, ये हमने आर्गुमेंट्स लिए हैं. अब हम सेम वही प्रिंट ऑफ एक्चुअल वैल्यू बिफोर स्वैपिंग a is equal to percent d comma b is equal to percent d a comma b. यहां पे लिखेंगे सम स्वैप, गलती नहीं करनी है पहले की तरह स्वैप. यहां पे देखिए ये हम इस एक्चुअल जो हमने पैरामीटर दे रहे हैं इनका एड्रेस पास कर रहे हैं, इनकी एड्रेस वैल्यू पास कर रहे हैं. यहां पे प्रिंट ऑफ चेंज्ड वैल्यू आफ्टर स्वैपिंग ए इज इक्वल टू परसेंट डी कॉमा b is equal to percent d a comma p. ये changed value after swapping, change होने के बाद जो value आएंगी, और ये जो actual value है जो हमने बिल्कुल starting में दी हुई है ये हमने, ठीक है, function call कर लिया यहाँ पे get ch, फिर void swap int pointer x int pointer y int z, एक और वेरिएबल ले रहे हैं थर्ड वेरिएबल, z is equal to pointer x, इसकी वैल्यू z में, फिर पॉइंटर पॉइंटर y, वैल्यू इंटरचेंज कर रहे हैं. अब यहां पे हम लिखते हैं y में आ जाएगी z की वैल्यू, यहां पे लिखते हैं swapping to dot c, backslash n का यूज करते हैं इसमें सबसे पहले ताकि हमें प्रोग्राम अच्छे से समझ आए. backslash n, अलग लाइन अलग अलग लाइनों में लिखा होगा तो समझना भी इजीली रहता है. देखिए एक्चुअल वैल्यू बिफोर स्वैपिंग 10, a 10 और b 20 यही हमने दी हुई है. फिर चेंज्ड वैल्यू आफ्टर स्वैपिंग, ये वैल्यू चेंज हो गई है कॉल बाय रेफरेंस से. देखिए ये इस प्रोग्राम के अंदर वैल्यू चेंज हो गई है एक्चुअल में, कॉल बाय वैल्यू के थ्रू एक्चुअल वैल्यू है वो चेंज नहीं होती है, लेकिन कॉल बाय रेफरेंस के थ्रू हम वैल्यू को चेंज कर सकते हैं. मेन स्लाइड्स पे आते हैं. अब है हम यूजर डिफाइंड फंक्शन में दो तरह के वेरिएबल्स लेते हैं,
लोकल वेरिएबल ग्लोबल वेरिएबल्स, इन दो तरह के वेरिएबल्स का काफी यूज करते हैं। सबसे पहले लोकल वेरिएबल्स। लोकल वेरिएबल्स कौन से? लोकल वेरिएबल आर डिक्लेयर्ड इनसाइड ए फंक्शन। लोकल वेरिएबल एक फंक्शन के अंदर डिक्लेयर करते हैं एंड कैन बी यूज्ड ओनली इनसाइड दैट फंक्शन, और उन फंक्शन का, उन वेरिएबल्स का यूज सिर्फ उसी फंक्शन के अंदर कर सकते हैं जहां पे उनको डिक्लेयर किया है। इट इज पॉसिबल टू हैव लोकल वेरिएबल विद द सेम नेम इन डिफरेंट फंक्शन। डिफरेंट फंक्शन में हम सेम नेम के वेरिएबल यूज कर सकते हैं क्योंकि वो फंक्शन के अंदर ही एक्सेसिबल हैं। ये हमारा लोकल वेरिएबल्स। ये लोकल वेरिएबल का एक प्रोग्राम क्या हुआ है हमने देखिए, वर्ड सम। हमें करना क्या है, मार्क्स ऑफ अजय और मार्क्स ऑफ अमित, दो स्टूडेंट्स के मार्क्स देखने हैं। अब यहाँ पे हमने सम दो बार, दो स्टूडेंट्स के देखने हैं तो दोनों बार सम को हम कॉल कराएंगे यहाँ पे, वॉइड सम। लेकिन डेफिनेशन एक ही बार लिखनी पड़ेगी, एंट ए बी सम। ए बी की जगह हम सब्जेक्ट नेम भी यूज कर सकते हैं और इनके जो आंसर आएगा वो दो बार इनका कॉल करेंगे। देखिए इस प्रोग्राम को करके देखते हैं। सबसे पहले लिखते हैं void sum, void main, फिर clear screen, क्योंकि हम यहां कोई वेरिएबल नहीं ले रहे हैं, सिर्फ फंक्शन कॉल कराने हैं हमें। प्रिंट ऑफ मार्क्स ऑफ अजय, ये हमने नेम दिया, यहाँ पे लिखेंगे सम, ये फंक्शन को कॉल करा लिया हमने। फिर प्रिंट ऑफ बैकस्लैश एन मार्क्स ऑफ अमित सम, ये एक स्टूडेंट्स का और लेते हैं। प्रिंट ऑफ मार्क्स ऑफ रानी सम, गेट सी एच अब void sum, यहां पे हम लिखते हैं इंटीजर में मैथ साइंस, जिन सब्जेक्ट्स का हमें टोटल करना है, मैथ साइंस एसएसटी तीन सब्जेक्ट ले लेते हैं, और एक हम लिख देते हैं वेरिएबल सम। फिर प्रिंट ऑफ एंटर मार्क्स ऑफ मैथ कॉमा साइंस एंड एसएसटी, यहां बैकस्लैश एन लगाती हूँ सबसे पहले, ये हमें हर एक लाइन में यूज करना है। फिर स्कैन ऑफ, हमें थ्री सब्जेक्ट के लेने हैं, थ्री टाइम्स लिखेंगे एम्परसेंट मैथ कॉमा साइंस एम्परसेंट एसएसटी, एसएसटी। फिर सम इज इक्वल टू मैथ
प्लस साइंस प्लस एसएसटी। एसएसटी प्रिंट ऑफ सम मैक्स लेस एन सम इज सम। हम यहां पे लिखते हैं लोकल डॉट सी मार्क्स ऑफ अजय, एंटर मार्क्स ऑफ मैथ साइंस एंड एसएसटी। हम मैथ के मार्क्स देते हैं साइंस एसएसटी, सम आ गया। ये देखिए सम इज 278। अब है मार्क्स ऑफ अमित, हमें अमित के मार्क्स हैं वो लिखने हैं। सबसे पहले मैथ साइंस एसएसटी, ये देखिए ये सम टोटल आ गया अमित के मार्क्स का। फिर है मार्क्स ऑफ रानी, रानी के मार्क्स निकालने के लिए हम उसके जो मैथ के मार्क्स हैं वो एंटर कराएंगे साइंस और फिर एसएसटी, ये टोटल आ गया। इस तरह हमने लोकल वेरिएबल्स का यूज किया है कि लोकल वेरिएबल्स हैं ये फंक्शन के अंदर ही एक्सेसिबल है। इस फंक्शन वर्ड सम, ये फंक्शन हमने यूज किया है, इसके बाहर हम इनको एक्सेस नहीं कर सकते। तो इस तरह हमने किया लोकल वेरिएबल्स का यूज। अब आता है ग्लोबल वेरिएबल्स। ग्लोबल वेरिएबल्स आर डिक्लेयर्ड आउटसाइड एनी फंक्शन, दे कैन बी एक्सेस्ड ऑन एनी फंक्शन इन द प्रोग्राम। ये जो ग्लोबल वेरिएबल्स हैं ये फंक्शन के बाहर डिक्लेयर किए जाते हैं और हम इसको प्रोग्राम के किसी भी फंक्शन में कॉल कर सकते हैं। देखिए प्रोग्राम int a और b की वैल्यू दी हुई है, ये तो हम प्रोग्राम ले रहे हैं तो फंक्शन ले रहे हैं और इन दोनों का, इन ग्लोबल वेरिएबल्स का देखिए इन दोनों फंक्शन में कॉल करेंगे सम में और सब में, दो सम और सब दो फंक्शन यूज कर रहे हैं हम। इसको भी यूज करके देखते हैं ग्लोबल वेरिएबल्स का यूज कैसे करते हैं हम। नया लेते हैं सबसे पहले हम यहां पे, चलो आज इंक्लूड एस टी डी आई ओ डॉट एच हैश इंक्लूड सी ओ एन आई ओ डॉट एच। अब यहां पे लिखते हैं इंट, सीधा डायरेक्टरी के बाद इंट ए इज इक्वल टू 10, यही हमने वहां लिखा हुआ है। वॉइड सम एक फंक्शन, वॉइड सब दूसरा फंक्शन, दो फंक्शन यूज कर रहे हैं इस प्रोग्राम में हम। मेन प्रोग्राम लिया void main। अब यहां पे हम लिखेंगे पहले क्लियर स्क्रीन, एडिशन ऑफ टू नंबर प्रिंट ऑफ टू नंबर सम फंक्शन कॉल किया। फिर प्रिंट ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ टू नंबर्स यहां पे हम backslash n इसका यूज करेंगे। फिर सब सब फंक्शन को कॉल करेंगे
गेट सी एच अब हम लिखते हैं void sum printf printf sum is plus b फिर है void sub printf sub is sub percent d n a minus b global dot c addition of two number sum is 30 subtraction of two number is minus 10 तो इस तरह देखिए हमने इस प्रोग्राम के अंदर ग्लोबल वेरिएबल्स का यूज किया है. देखिए इन void sum और void sub दो फंक्शन यूज किए हैं हमने इस प्रोग्राम में. इनका हमने लोकल वेरिएबल्स नहीं लिए, ना ही तो इसमें लिए ना ही इसमें लिया है. इस दोनों फंक्शन के अंदर हम ग्लोबल वेरिएबल्स यूज कर रहे हैं. यहाँ पे सिर्फ हम ऑपरेशन लगा रहे हैं कि हमें सम करना है सब्ट्रैक्शन करना है और वैल्यू हम ग्लोबल वेरिएबल से ले रहे हैं. इस तरह हम ग्लोबल वेरिएबल्स का यूज करते हैं. थैंक यू स्टूडेंट्स. आपको कुछ भी समझ नहीं आया है आप गूगल क्लासरूम पे लिखकर पूछ सकते हैं. थैंक यू.